मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में फर्जी तरीके से जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। यहाँ एक 61 वर्षीय वृद्ध अंधी महिला की खेती की 5 एकड़ भूमि की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर जमीन हड़पी जा रही थी, लेकिन भूमि परिवर्तन के दौरान इस कांड को पकड़ लिया गया। यह पूरा मामला टीकमगढ़ शहर में लगे बड़गांव खुर्द गाँव का है। यहाँ की रहने वाली अंधी वृद्ध महिला रामबाई ने मामले की शिकायत तहसीलदार को लिखित आवेदन देकर की। पीड़ित वृद्ध अपने पति सीताराम यादव के साथ तहसील कार्यालय पहुंची, जहां उसके पति ने पूरे मामले को तहसीलदार के सामने रखा। सीताराम ने बताया कि ग्राम बड़ा गांव खुर्द पावर हाउस के पास उसकी पत्नी रामबाई के नाम की 5 एकड़ से ज्यादा भूमि है, जिस पर खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन उसी जमीन की ग्राम मोखरा के रहने वाले अरविंद तिवारी ने अपने नाम फर्जी रजिस्ट्री करा ली। जब पीड़िता ने इस जमीन का सौदा किया ही नहीं, पीड़ित का आरोप है कि अरविंद तिवारी पिता मनीराम तिवारी ने फर्जी दस्तावेज बनाकर किसी अन्य महिला को रजिस्ट्रार दफ्तर ले जाकर गलत तरीके से जमीन अपने नाम करा ली। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? सुवर्ण यादव। अच्छा सुवर्ण, बताएं जो आज शिकायत लेके आया थाने, किस लिए आया? हमारी मम्मी के नाम की जमीन फर्जी रजिस्ट्री करवा ली। किसने कराई? अरविंद तिवारी, सन ऑफ मनीराम तिवारी, ग्राम मोखरा, जिला टीकमगढ़। कितनी जमीन थी? सर 6 एकड़ थी। कैसे हुई रजिस्ट्री? सर फर्जी लेडीज खुलवा के उन्हीं ने कर ली, आधार कार्ड फर्जी लगा के। कैसे पता चला ये आप लोगों को? पटवारी द्वारा पता चला, जो नामांतरण करवाया उनका फोन आया था, उनके द्वारा पता चला कि आपकी जमीन बिक गई है। फिर उनसे पूछ जब जानकारी की तो उसमें फिर रजिस्ट्री निकलवाई तो वहाँ उसमें दिख रही थी। सर क्या चाहे थे अब आप लोग? हमारी जमीन वापस चाहिए। हमें है कि उसकी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री हुई है। क्या मामला है सर? अपन के पास तो पूरे ओरिजिनल कागज लगे लगे हैं सर। उस महिला का कहना है कि महिला तो कुछ भी कहती रहे, पर हमारे पास जो लगे हैं, ये देखो जो जितने भी लगे, ये आधार कार्ड का नंबर जो है उसका गलत है। आधार कार्ड उसका गलत है। अब ये लगा हुआ है सर, ये नंबर है, अब इतना चेकिंग नहीं करते। नहीं सर, तो जिसने जमीन ली है मनीराम तिवारी, उनकी लड़की का भी कहना है कि ये फर्जी रजिस्ट्री हो गई है और दलाल के द्वारा कराई गई है। अब वो इतना नहीं मालूम, आप जो कागज जो हमारे रहते हैं जो कागज लगे। नहीं सर, आप सिर्फ एक चीज बताइए, जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो जब खुद कह रहा है कि हाँ फर्जी रजिस्ट्री हुई है, तो सर आप लोग फिर क्या देखते हो? नहीं तो उसने उस समय हमें थोड़ी बताया था कि ये फर्जी है, वो तो उस समय तो आप लोग वेरीफाई करना चाहिए। राम भाई यहाँ पे आई थी? हाँ आई थी सर, वो तो आंखों से अंधी है सर। अब ये तो जे लगा और उसका कहना है कि हम आई नहीं है, ये लगे हुए सर। तो इन आधार कार्डों से आपने उसका मिलान किया था सर चेहरे का? हाँ बिल्कुल। मतलब आपका कहना है कि राम भाई यहाँ आई थी? अब वो कोई दूसरी बन के आई होगी, इस मामले में अपन को कुछ नहीं बता सकते। तो इसका मतलब आप ये बात मानते हैं कि दूसरा बन के यहाँ आके रजिस्ट्री करा सकता है? अब कागज पूरे जो है सो वो तो है, जैसे कागज में मिलान तो होता है ना, मिलान आप लोग करते हो कि नहीं? शपथ पत्र दिया हुआ मिलान तो जी रहता है, जो खसरे में नाम रहता है उसको चेक करते हैं, खसरा किताब इनका सबका मिलान होता है, जो भूस्वामी में लिखा हुआ है सर। डॉक्यूमेंट मैंने मान लिए, लेकिन आप लोग डॉक्यूमेंट से मिलान करते हो कि नहीं करते हो? मिलान करते हैं ना सर। तो आपका कहना है कि राम भाई यहाँ आए, लेकिन राम भाई का कहना है कि हम नहीं आए? अब ये अपन नहीं कर सकते, अब इतने आदमी तो अपन 2000 आदमी देखो कितनी भीड़ है। नहीं अभी यार आपने कहा ना कि ये आपने माना है कि कोई भी व्यक्ति आके दूसरा बन के यहाँ, कागज दूसरा बन के हम नहीं कहते भाई, उसके गवाहदारों को काम ही रहता है कि भाई उसकी पहचान करे, तो गवाहदार है ना उसमें, गवाह का आप पहचान ये है ना, ये रईस खान और भुवानी दास है, इन दोनों ने पहचान करी है कि ये वही भाई है, बस और क्या है, ये दो है, ये इन लोगों ने पहचान करी है उसकी, ये लिखे रईसदार और ये फर्जी रजिस्ट्री है जिसने खरीदी वो तक कह रहा। क्या नाम है दादा? सीताराम यादव। किस गाँव की है? बड़ा गाँव खुर्द। क्यों आए थाने आज? क्या थाने इसे आए साहब के जो है, हम घर थे, पटवाइन ने हमको फोन लगाया कि तुमने सीमांकन की दरखास्त दी थी, 4-9 को मेरा आदेश ऑनलाइन हुआ था, उसमें जो है आप आओ और तुमने ज़मीन बेच दी। हमने की पटवान जी हम तो नहीं बेची महाराज, कैसे बिक गई है ज़मीन, हमारी पत्नी जो है आँखों से दिखता नहीं है, मानसिक रूप से ग्वालियर का इलाज चल रहा है, उसका प्रमाण पत्र मेरे पास है सीमान, और ज़मीन बिक चुकी है 5 एकड़ ज़मीन में ही, 5 एकड़ कचू जिसमें ज़मीन की फर्जी रजिस्ट्री करवा ली श्रीमान, हम लोगों को कोई पता नहीं है। किसने की जी फर्जी रजिस्ट्री? फर्जी रजिस्ट्री जो है किसने की? मनीराम अरविंद तनय मनीराम तिवारी मोखरा,
इनके नाम से जो है रजिस्ट्री निकलवाई तो उसमें निकला है इनका नाम निकला है सीमा। किसके नाम थी जी जमीन? ये रामबाई यादव मेरी पत्नी के नाम थी। तो आपको नहीं पता कि रजिस्ट्री हुई? नहीं हमको नहीं पता, हमको तो पटवारी ने बताया जब पता लगा श्रीमान। उसमें दस्तावेज निकलवाए आपने? हाँ निकलवाए हैं। क्या पता चला उसमें? उसमें पता चला यही कि अरविंद ने रजिस्ट्री करवाई, अरविंद तिवारी तने मनीराम मोखरा ने रजिस्ट्री करवाई 5 एकड़ कचू डिस्मल की जितनी। फोटो भी फर्जी लगी? फर्जी फोटो, फर्जी आधार कार्ड पाया गया साहब उस रजिस्ट्री। कागज जी जो लगाए उन्होंने वो सब फर्जी है श्रीमान, फर्जी पाए गए। क्या चाहते हैं आप जी? चाहते हैं हम देहात थाना रिपोर्ट करवा आए, हमारे बाल बच्चों को कुछ खाने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। कार्रवाई हो उन पे 420 की मुकदमा हो, अब वो हमारी जमीन रजिस्ट्री खाए जो न्याय में। चलो ठीक है। अच्छा अरविंद जी बताइए, एक आरोप लगा है आपके ऊपर कि एक जमीन की गलत तरीके से रजिस्ट्री कर जमीन हड़पने का काम किया, क्या क्या मामला? उसमें हमारी तरफ से फर्जी बनाई गई है, बता रहे हैं फर्जी रामबाई थी ओरिजिनल, वो दूसरी थी रामबाई, उसको बनाया गया रामबाई, वो हमारे तरीके से फर्जी रजिस्ट्री कराई गई, इसमें हमारा पैसा भी डूब गया और हमको 3 दलालों ने गुमराह कर दिया है, मोहन रावत और पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर बड़ारामपुर के सुनील करके यादव, और हमारा पैसा भी चला गया, जबकि हम उस परिवार वालों से मिले आए जिसकी वो रियल ज़मीन है, वो हमसे संतुष्ट हैं, और ये ऐसा ना होना चाहिए। आपके साथ गलत हुआ है आपने गलत? नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ भी गलत हुआ है, उस ज़मीन वालों के साथ भी गलत हुआ है, इसी दलालों ने करवाया है। वो जो आधार कार्ड था रामबाई का वो भी ओरिजिनल ही था, वो उसका भी नाम और रामबाई था और दूसरी का भी रामबाई नाम था, इसलिए उनने इसका फ़ायदा उठा लिया है। कितने की बेची थी? उसने बेची थी अपन को जो रजिस्ट्री में है वो तो 25,48,000 की है, तो वही मान लो आप नंबर एक में। मैंने उनको पैसा भी पे कर दिया है। अब क्या कदम उठाएंगे आप? अब हम उनके ऊपर FIR करेंगे और 420 का मुकदमा भी करेंगे, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ जो और अन्य किसी के साथ ना हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।